अच्छा, आज आपका लेक्चर है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इससे पहले आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किया है और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किया है। तो आपने जो है ये जितनी भी इनके साथ जो है वो आपने कैटेगराइजेशन देखी है विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स, यानी जीरो ऑर्डर आपने कहा था कि इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के। फर्स्ट में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी एक रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सेकंड में जो है वो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या करेगी, कोई से दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगी। क्लियर? आपने बिल्कुल जैसे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर किया है ना, वही वाले स्टेप जो है वो सेकंड ऑर्डर के अंदर भी फॉलो करें। क्लियर? ये ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ इसको। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाएगी सेकंड ऑर्डर की। यस मैम जी अच्छा, अब सबसे पहले इसमें आ जाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब जैसे आपने जीरो ऑर्डर में कहा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के, फर्स्ट ऑर्डर का जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो जो आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है इसका जो आपके पास रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ एनी टू रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। क्लियर? जी मैम। ठीक है, उसी तरह उसमें आपने ये कहा था कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जब प्रोसीड करेगा तो उसका रेट जो है वो दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और उन्हीं दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपका जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज होगा। क्लियर? यस मैम उसी तरह यस मैम बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट एक्सप्रेशन ड्रॉ किया था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन जो है वो आपने डिराइव किया था, इसी तरह अब आपने क्या करना है कि जो है ना यही प्रोसेस आपने फॉलो करना है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करने हैं जो जीरो और फर्स्ट में फॉलो किए थे, और के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन जो आपका एक्सप्रेशन है के का वो डिराइव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है इसमें आपके पास दो केसेस पॉसिबल। जीरो के अंदर आपके पास एक ही केस था, फर्स्ट के अंदर आपके पास एक ही केस था, सूडो फर्स्ट के अंदर आपके पास एक ही केस था, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पे आपके पास दो केस पॉसिबल। पहला केस ये है कि आपने दो रिएक्टेंट्स जो भी लिए हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है। इसको अगर आपने 0.1 मोलर लिया है ए रिएक्टेंट, आपने 0.1 मोलर लिया है, तो दोनों जो है वो इक्वल रेशियो में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है कि आपके जो रिएक्टेंट हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। एक को अगर आपने 0.1 मोलर लिया है तो दूसरा 0.3 मोलर होगा। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती हैं। तो अगर आपके दोनों रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो तो इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन, और अगर दोनों रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस। क्लियर? जी मैम ठीक है, तो ये आपके पास जो दो केसेस हैं आपने इन दोनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस करना है। ठीक है, आज हम सिर्फ जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें हमने ये कहा कि आपके जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होगी। स्टेप्स आपने वही वाले फॉलो करने हैं जो पहले आपने फॉलो किए थे। रिएक्शन आपने लिया, सपोज रिएक्शन जो आपने लिया है वो क्या है कि ए प्लस बी जो है वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये भी 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ठीक है, फिर आपने जैसे वहां पे जो है वो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करके जो है वो के लगाया था। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इक्वेलिटी का साइन लगाया, वो लगा दिया वहां पे। अब डिफरेंस ये था कि आपका रिएक्टेंट एक था, यहाँ पे आपके रिएक्टेंट दो है, तो एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ मैंने एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ बी भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। मैम तो मैं डेफिनेशन के मुताबिक
रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड करता है किसी भी दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे. अगर हाँ जी जब रिएक्शन में रिएक्टेंट की अमाउंट 2 से ज्यादा है फिर भी दो पे डिपेंड करेगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से दो पे वो डिपेंड कर रहा है? ये आपके पास, मैंने आपको कहा ना कि आर्डर आप हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं लैब के अंदर, उसमें आप वन बाय वन सारे रिएक्टेंट्स की रिएक्टिविटी चेक करते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्शन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा जो है वो वीकली पार्टिसिपेट कर रहा है. उस डेटा से आप एनालाइज करते हैं कि कौन से दो जो है वो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल कर रहे हैं. सिर्फ रिएक्शन देख के ठीक आप डिसाइड नहीं कर सकते. ओके क्लियर? अच्छा, यहाँ तक ये मैंने 20 क्यों लिखा है इसकी समझ आ गई? फॉर सेकंड रिएक्टेंट हाँ क्योंकि टू जी, पे डिपेंड करता है ना. यहाँ पे आपका जो रेट है वो दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने ए की कंसंट्रेशन भी लिखती है और बी की भी लिखती है. रेट को मैंने dx/dt से चेंज कर दिया, ये के, ये ए और बी. ये वो आपका तकरीबन पहले वाला ही आपके पास जो है वो स्टेप हो गया. उसके बाद आपने क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन से आगे आपने मूव करना है. ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है. अच्छा, ए और बी अगर इक्वल है, इसका मतलब ये है कि 0.1 मोलर ही ए है, 0.1 मोलर ही बी है, कह सकते हैं ना? तो इसका मतलब ये है कि ए और बी ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, 1.1 मोलर है, दूसरा भी 0.1 मोलर है. तो फिर मैं ए को ए लिखूं या बी को बी लिखूं, कोई फर्क पड़ता है? नो अगर है ही दोनों इक्वल, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि बी की जगह भी ए लिख सकती हूँ, क्योंकि बी ए के इक्वल है. तो ए तो ए ही है, लेकिन बी की जगह पे भी जब मैं ए लिखूंगी तो ए स्क्वेयर हो जाएगा. क्लियर? यस मैम. अब ये जो आपका dx/dt इक्वल टू के है, इसको आप के ए स्क्वेयर भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये dx/dt इज इक्वल टू के, ठीक है, ये आपका जो है वो ए स्क्वेयर है. यहाँ पे ये जो ए है ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को. ठीक है, ये स्क्वायर इधर भी आएगा. ठीक है, यहाँ तक जो है वो आपका एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव हो गया. उसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें आपने क्या करना है कि आपके पास पॉसिबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि ये हो सकता है कि एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और वही प्रोडक्ट जो है वो बना रहा है. ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था और इसमें जीरो की पॉसिबिलिटी भी है. ये आपका फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करे, ये भी हो सकता है दो करें. अगर एक करता है तो फर्स्ट ऑर्डर, दो करते हैं तो सेकंड ऑर्डर. ठीक है, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं. और अगर इन तीन रिएक्टेंट्स को हम कहते हैं इनका रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, तो इन तीनों में से कोई से दो रिएक्टेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं. यहाँ पे के साथ मैंने ए स्क्वेयर लगा दिया. क्लियर? जी मैम. ये भी आपका स्टेप क्लियर हो गया, हम ए स्क्वेयर तक पहुंच गए. उसके बाद जो है वो आपने बिल्कुल जैसे पहले सपोज किया था कि ए और बी जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक रिएक्टेंट जो है वो ए था, एक रिएक्टेंट जो है वो आपका बी था. दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन क्योंकि सेम थी, मैंने इसको भी ए लिख दिया, इसको भी ए. अगर आप दो वैल्यूज को सेम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने ए और बी दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन को ए से रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब है दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है. अगर मैं एक को ए से रिप्रेजेंट करती, एक को बी से रिप्रेजेंट करती, तो दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट होती. क्लियर? यस मैम. ठीक है, तो जब टाइम आपका जस्ट स्टार्ट हुआ था, 0 सेकंड पास हुए थे, तो प्रोडक्ट में आपके पास कुछ भी नहीं था. कुछ टाइम गुजरने के बाद आपकी प्रोडक्ट की थोड़ी सी अमाउंट एक्स बनी, उस अमाउंट को मैंने दोनों रिएक्टेंट्स के अंदर से माइनस कर दिया. क्लियर? यस मैम. तो अब यस यहाँ मैम. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपके पास, क्योंकि ए दो दफा था, तो दोनों की जो मैंने इनिशियल कंसेंट्रेशन लिखी है, ए स्क्वेयर था, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स. इसकी समझ आ गई? यस मैम. क्योंकि आप अगर पिछला स्टेप देखें तो उसमें आपके पास ए स्क्वेयर है, इसका मतलब है कि आपने दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिखनी है, तो वो ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स है और ये स्क्वेयर. अब आपने करनी है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी एक जैसे रिएक्टेंट्स को आपने इक्वेशन की एक साइड पे करना है जैसे पहले करते रहे.
तो ए माइनस एक्स स्क्वेयर आपका जो है वो इधर आ जाएगा और डी टी उधर चला जाएगा, ठीक है। ये आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की है, डी टी को आप उधर इसलिए लेके गए हैं ताकि आपकी इक्वेशन की इंटीग्रेशन हो सके, ठीक है। पहले भी हम इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशियल को इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ले जाते थे, इधर भी अब डिफरेंशियल है इधर भी है, क्लियर? जी यस मैम, मैम, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और लिमिट्स हमने डिसाइड की हैं 0 से x और 0 से t, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले की थी। अब इंटीग्रेशन में क्या हुआ, ये 0 से x तक इंटीग्रेशन होगी और ये 0 से t तक। अब इस पार्ट की इंटीग्रेशन तो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपने पहले की थी, ठीक है। और k जो है क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, आपने उसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख दिया, लेकिन इस पार्ट की जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ी सी पहले से डिफरेंट होगी। जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे ना, सारे ऑर्डर्स के अंदर ये जो राइट हैंड साइड है इसकी इंटीग्रेशन सेम होगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इंटीग्रेशन है ना वो डिफरेंट होती जाएगी। अब इस इंटीग्रेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले से जो पहले आपने की है ना उनसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जी मैम, अब क्या करना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाली वाली जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर लेके जाएंगे ना, जब हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अगर आप न्यूमिरेटर में लेके जाएं या न्यूमिरेटर वाली को डिनोमिनेटर में लेके आए, ये जो पावर होती है ना पावर का साइन उलट जाता है। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो यहाँ पे प्लस टू साइन है तो ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया, क्लियर। अगर मैं इस a माइनस एक्स स्क्वेयर को डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर में लेके जाऊंगी तो ये जो पावर है इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। डी एक्स पहले से यहाँ पे था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी इक्वेशन आपके पास वैसे ही, ये आपने अभी सिंप्लीफिकेशन की है सर, ठीक है। इंटीग्रेशन आप तब अप्लाई कर सकेंगे जो आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए, समझ आ गई? यस मैम। उसके बाद अब इसको सॉल्व करने का आपके पास इंटीग्रेशन में क्या फार्मूला है, इस तरह की इक्वेशन को जिसके अंदर पावर भी हो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैंसिल होगी, लेकिन ये जो आपके पास वैल्यू है a माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको आपने क्या करना है, माइनस टू के अंदर प्लस वन करना है, जो भी पावर है उसके अंदर प्लस वन करना है, जैसे मैंने ये किया। ये जो पावर फॉर्म में इंटीग्रेशन है ना इसको ये सॉल्व करने का फॉर्मूला है, ठीक है। कि आपकी जो पावर है ना उसको ऊपर लेके जाए, फिर क्या करना है कि उस पावर में प्लस वन कर देना है, जो भी पावर है, यहाँ पे तो माइनस टू है ना, आपकी कोई भी पावर होती है आप उसमें प्लस वन कर देते हैं, क्लियर? जी मैम। तो मैम ये डीएक्स कहाँ चला गया है? मैंने आपको बताया था जैसे स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को कैंसिल करता है, ऐसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल करती है जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया। जी मैम, तो वो तो डी कैंसिल होना था ना, एक्स डी कैंसिल होता है ना, एक्स जो है वो आपके पास क्या करता है, ये देखें ये आपकी इक्वेशन के अंदर मौजूद है, ये डी एक्स जो है ये आपका पूरे का पूरा इस इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जी मैम, ये फार्मूला डिफरेंट है, इसको आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे आपका जहाँ पे पावर आएगी ना वहां पे dx पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। यस मैम। अब क्या हुआ, आपने ये जो ऊपर माइनस टू जो आपकी पावर थी उसके अंदर प्लस वन किया है, इसी चीज को आपने उठा के डिनोमिनेटर में भी लिखा, आ रही है बात की जी समझ? मैम। अब मैं दोबारा से एक बार आपको बता yes, देती हूँ कि आपने क्या किया। सबसे पहले आप इस पावर को उठा के ऊपर लेके, जहाँ पे भी पावर है आपने पहले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिरेटर में ले जानी है ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए, और जो आपकी पावर है ना उसका साइन ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस टू था इधर माइनस टू हो गया।
ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, पावर के अंदर जो भी पावर है आपने प्लस वन लगा देना है, डीएक्स कैंसिल हो जाएगा, पावर के अंदर जो भी आपके जी मैम, पास पावर है उसके अंदर प्लस वन, और वही चीज जो आपकी यहाँ पे बनी है पावर के अंदर प्लस वन करने के बाद उसी को आपने नीचे भी ले गया। ठीक है, जैसे नेचुरल लॉग के अंदर आपके पास एक माइनस वन था ना, यहाँ पे भी क्योंकि आपके पास जी ए माइनस मैम, एक्स है, यहाँ पे भी आपके पास एक माइनस वन होगा। यस मैम, ठीक है, अब आपने फर्दर क्या करना है, ठीक है आपने नीचे आ जाना है। ठीक है, और एक क्लास और आपने बात याद रखनी है कि ये जो माइनस वन है ना, इस बाकी सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? अब क्या हुआ आपके पास के ये आपके पास पूरी टर्म आ गई, और ए माइनस एक्स जहाँ पे भी होगा साथ में आपके पास एक माइनस वन फॉर्मूले का आ गया। अब आपने क्या करना है कि माइनस टू प्लस वन कितना होता है, माइनस वन, वो माइनस वन आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ गया। ठीक है, इधर भी माइनस टू प्लस वन माइनस वन, और एक माइनस वन पहले से था। ठीक है, जी मैम, माइनस वन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस वन। वन, वो मैंने नीचे लिख दिया, ये ए माइनस। अच्छा, अब इसको सिंपलीफाई करने का एक और तरीका ये है कि आप इस टर्म को ऊपर से उठा के दोबारा नीचे ले आए, क्योंकि ये जो आपने सारा कुछ किया था ना कि आप नीचे से उठा के ऊपर ले गए थे, वो इसलिए लेके गए थे क्योंकि आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे थे, अब इंटीग्रेशन खत्म हो चुकी है, अब आप इक्वेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो सिंपलीफाई करने के लिए क्लास आपने आगे भी याद रखना है कि आगे भी आपने बहुत सारी इक्वेशन फिजिकल केमिस्ट्री में करनी है। सिंपलीफिकेशन के लिए जरूरी होता है कि किसी तरह आप माइनस वाली वैल्यू जो है उसको प्लस में कर। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए आप कर सकते हैं कि ये ए माइनस एक्स दोबारा उठा के नीचे लें, दोबारा लाएंगे तो ये जो माइनस में पावर है ये प्लस। जी मैम, अब आपके पास है काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, लिमिट्स आप उस वक्त तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास एज मच एज पॉसिबल सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं आ जाती, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म के ऊपर आपने लिमिट्स अप्लाई कर। ठीक है, अब आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती। अब हमने क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई कर। ठीक है, लिमिट्स आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि एक दफा जो है वो वन ओवर ए माइनस एक्स का जो एक्स है उसकी जगह अपर लिमिट यानी एक्स आ जाएगा, माइनस एक दफा वन ओवर ए माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट आ जाएगी यानी जीरो। क्लियर? यस मैम, अब क्या होगा, वन ओवर ए माइनस एक्स तो ए माइनस एक्स ही रहेगा, लेकिन ए में से जीरो जाए तो आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वन ओवर ए रह जाए। जी मैम, अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे तो एक ए आ जाएगा एक ए माइनस एक्स आ जाएगा। एलसीएम को सॉल्व करना आता है, यस मैम, अब क्या होगा, यहाँ से ए माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा इस टर्म के लिए और ए रह जाएगा, माइनस दूसरी दफा जो है वो ए कैंसिल आपका जो है वो ए कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस है इसलिए आपने ब्रैकेट में इसको लिखना है, क्योंकि माइनस जहाँ पे भी हो उसकी वजह से साइन चेंज होता है। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे जो माइनस है इसकी वजह से अंदर वाला साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ए इंटू ए माइनस एक्स। आगे मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ लिमिट लगाने के बाद। आपका आंसर ये जी वाला मैम, भी ठीक है, आंसर ये वाला भी ठीक है, मैं सिंप्लीफिकेशन कर। जिस बच्चे को मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो इसी आंसर को अपना आंसर रहने दे बेशक, तो भी उसका आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, आगे हमने यस जो मैम, करना है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसका पर्पस ये है कि हमारे पास जो के की वैल्यू आए वो सिंपलेस्ट हो एज मच एज पॉसिबल। अब ये वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है इसको अगर आप फर्दर चेक करते हैं, ठीक है, तो ए ए से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस से है और एक माइनस से है, ऐसे ही है, जी मैम, बाकी रह गया आपके पास ऊपर एक्स, न्यूमिरेटर में वो एक्स लिखा, नीचे ए इंटू ए माइनस एक्स जो है वो दोबारा आ गया, फिर आपके पास आ गया के टी इज इक्वल टू एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स। आपको के की वैल्यू चाहिए, टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो,
ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है, ये आपके पास रेट कांस्टेंट पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशंस। कुछ समझ आ रही है इसकी कि ये किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं? यस मैम। किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टाइम पे मैम डिपेंड कर रहा कंसंट्रेशन है, पे और टाइम पे, टाइम पे इनिशियल डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअल और फाइनल कंसंट्रेशन पे। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे, ठीक है, डिपेंड कर रहा है ना। जी यस मैम। तो आपका रेट एक्सप्रेशन है पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी सेम इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आपने इसकी हैंड ऑन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हमने बिल्कुल वैसे ही इसकी करेक्टरिस्टिक्स करनी है जैसे इससे पहले हम करते रहे। यूनिट निकालना है इसका, ठीक है, इसकी हमने हाफ लाइफ निकालनी है और इसका हमने ग्राफिकल डाटा प्रोवाइड। लेकिन उसके लिए पहले आपको इसके एक ही डेरिवेशन आनी चाहिए, ये थोड़ी सी आपके लिए डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए मैं करेक्टरिस्टिक्स आज नहीं करवा रही। करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप इसकी एक दफा हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लें तो फिर करवाऊंगी, जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। अभी जो है आप इन स्लाइड्स में से जहां पे भी आप कोई मुझे बता दें मैं दोबारा करवा दें। स्टेप्स जो फॉलो किए वो याद है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ तक तो आपने सेम टू सेम वैसे ही किया जैसे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट में किया था, लेकिन यहाँ पे ए के साथ क्योंकि एक और रिएक्टेंट इन्वॉल्व था तो आपने उसकी कंसंट्रेशन लिख दी। फिर आपने ये कहा कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो आप इसकी जगह ए स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। फिर आपने क्या किया है कि ए स्क्वेयर जो है उसकी जगह पे आपने फर्दर कुछ प्रोसीडिंग की और ए माइनस एक्स लगा दिया दोनों में, ए माइनस एक्स का स्क्वेयर हो गया फिर क्योंकि दो दफा ए माइनस एक्स आ गया था, दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन भी सेम थी, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन भी सेम था, ए माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। अब आपने क्या किया, ए माइनस एक्स स्क्वेयर के बाद आपने जो है वो क्या किया है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी कर दी और डिफरेंशियल को भी इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेके। अब मसला हमारे पास ये हो गया था इंटीग्रेशन करते हुए कि आपका जो डाटा था जो आपकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। उसको सिंपलीफाई करने के लिए हम पावर वाली टर्म को ऊपर ले गए, ठीक है, और पावर वाली टर्म को ऊपर ले जाने का पर्पस ये था कि जब हम पावर वाली टर्म को ऊपर ले जाते हैं तो आगे हमने देखा था कि इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अप्रोप्रिएट फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। उस फार्मूला के लिए पावर का जो है वो न्यूमिरेटर में होना जरूरी है, इसलिए हम इसको उठा के ऊपर ले गए। यहाँ पे इसकी पावर प्लस में थी, ऊपर जाके इसकी पावर माइनस में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि पावर के अंदर फार्मूला सॉल्व करने के लिए पावर के अंदर प्लस वन कर दिया, जो भी पावर है उसमें आपने प्लस वन कर देना, ठीक है। आगे जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन करना है ना उसमें ये पावर मैंने आपको दे देनी है कि खुद सॉल्व कर, ठीक है, वो सेम इसी मेथड से होनी है। माइनस वन आपके पास एक फार्मूला का और यही जो पूरी टर्म है इसको आपने उठा के नीचे ले। अब माइनस टू प्लस वन जो है वो माइनस वन हो गया है, यहाँ पे माइनस वन जो है दोनों मल्टीप्लाई हो गए, आपके पास सिंपल वन आ गया। फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया आपने लिमिट सप्लाई करने के लिए, वन ओवर ए माइनस एक्स को आप नीचे ले आए क्योंकि आप इंटीग्रेशन खत्म हो चुकी है जिसके लिए आपको पावर ऊपर लेके जाने की जरूरत थी। उसके बाद आपने क्या किया है कि लिमिट सप्लाई कर दी है, एक फॉर एक्स की जगह अपर लिमिट, एक फॉर एक्स की जगह लोअर लिमिट, दोनों को माइनस किया है। फिर आपने एलसीएम लिया है, फिर आपने कटिंग की है, ठीक है। कटिंग के बाद जो है वो आपके पास जो फार्मूला आया है उसमें से आपने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी मुझे बता दें। नो मैम। नो मैम। अच्छा आप लोगों के पास कॉपीज हैं या कॉपीज उठाए बगैर बैठे हुए?